हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ध्रुपदीप वर्ल्ड। कैसे हैं आप लोग? हम लोग तो बहुत अच्छे से हैं। आई होप आप लोग सब भी अच्छे होंगे। तो आज है थर्सडे, दिसंबर कितना है आज? आई थिंक 9 और 10, मैं डेट भी भूल जाती हूँ। आज है थर्सडे और हम लोग ना थर्सडे जो है ना मार्गशीर मास का महीने का थर्सडे हम लोग लक्ष्मी माँ का पूजा करते हैं। ओडिशा में क्या होता है, इसी ओडिशा में स्पेशली क्या होता है मार्गशीर मंथ में, मतलब जो नवंबर से दिसंबर के ही बीच में आता है, उसी मार्गशीर मास का जो गुरुवार होता है, हर गुरुवार को हम लोग लक्ष्मी पूजा करते हैं। ओडिशा में हम लोग, ये ओडिशा में ही होता है और कहीं तो मुझे नहीं पता नहीं होता है, ओडिशा में ही होता है। तो ओडिशा में हम लोग लक्ष्मी पूजा करते हैं और उसको कई लोग माणवसा गुरुवार भी बोलते हैं। तो इसमें लक्ष्मी जी का पूजा होता है। माना जाता है कि आज जिसके घर बहुत क्लीन होता है ना, तो उसी के घर में लक्ष्मी जी आते हैं और उन पे, मतलब उन पे उनका सब कुछ अच्छा होता है। तो इसीलिए हम लोग लेडीज़ लोग हम लोग पहले दिन से ही हम लोग घर क्लीन करते हैं अच्छे से। और सुबह सुबह उठ के हम लोग जो क्या होता है, वो चावल को ग्राइंड करके उसका जो एक ये पेस्ट जैसे बना के ना, उससे रंगोली टाइप बनाते हैं तो, और पूजा करते हैं। तो माना जाता है कि एक्चुअली इसके पीछे एक स्टोरी है, बाद में वो मैं शेयर करती हूँ, थोड़ा बहुत शॉर्टकट में मैं बताऊँगी उसका कथा है। हम लोग पढ़ते हैं आज। तो सुबह मेरा पूजा हो गया है, मतलब जैसे आज हम लोग ना, मैं 2-3 फेज में ऐसे प्रसाद चढ़ाती हूँ। पहले थोड़ा सा फ्रूट्स वगैरह प्रसाद चढ़ा लेते हैं, जैसे भगवान जी को, लक्ष्मी जी को नहला के उनको, उनका सब श्रृंगार वगैरह करके उनको प्रसाद चढ़ाते हैं। तो आज क्या आता है, हर गुरुवार हम लोग अलग अलग चीज़ें प्रसाद में करते हैं। आज दूसरा गुरुवार है। पहला वाला गुरुवार जो हुआ था, आज सेकेंड है। तो सेकेंड गुरुवार में हम लोग जो आज डोसा बनाते हैं, डोसा हो गया, जो उड़द दाल का कुछ भी आज हम लोग प्रसाद में चढ़ाते हैं। उड़द दाल है ना, तो साल की पहली उड़द दाल का प्रसाद चढ़ाते हैं, उसमें से कुछ भी बनाए। तो मैंने डोसा बनाया था, डोसा प्रसाद में चढ़ाया। और आज हम लोग मूली है ना, साल का पहला मूली जब निकलता है, ऐसे ही बोलते हैं, ऐसे माना जाता है कि मूली का प्रसाद आज चढ़ता है, उसके बाद ही हम लोग खाना शुरू करते हैं। बट ऐसा कहाँ होता है, आजकल कहाँ लोग मानते हैं। बट कई लोग हैं जो कि ये गुरुवार से पहले जो प्रसाद जब तक नहीं चढ़ा होता है लक्ष्मी जी को, मूली नहीं खाते हैं, उड़द दाल का, मतलब नया जो उड़द आता है ना, नया उड़द दाल आता है साल का, वो नहीं खाते हैं, ऐसे बहुत लोग मानते हैं। तो बस आज हम लोग, मैं भी ऐसे डोसा ही बनाई हूँ। डोसा बना के भगवान को अभी प्रसाद, फ्रूट्स और वो डोसा बना के पहले प्रसाद कर दी हूँ। उसके बाद में मैं अभी जो वेज में अनियन गार्लिक नहीं आज पड़ेगा, कुछ भी नहीं। अभी मैं अनुभोग के लिए जो भी मैं बनाऊंगी, जो भी बनाऊंगी, उसके बाद बनाने के बाद लक्ष्मी जी को वही भोग में चढ़ाऊंगी। अनुभोग करते हैं हम आज लोग, राइस वगैरह सब बना के प्रसाद में लगाते हैं। बस अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है ये पूजा। और मैं भी इधर करती हूँ, इधर मतलब जैसे इसका बहुत, एक्चुअली ये पूजा का ना बहुत ज़्यादा कुछ कुछ जो बोलते हैं ना, कैसे कैसे करते हैं वो है, मुझे भी सारा कुछ पता नहीं है। मुझे जितना पता है मैं इधर करती हूँ, और जितने चीज़ें मुझे अवेलेबल होता है इधर, उसी हिसाब से ही मैं करती हूँ। लेकिन ओडिशा में बहुत अच्छा, बहुत अच्छे से करते हैं। हो पाएगा तो मैं क्लिप्स वगैरह आपको दे दूंगी थोड़ा सा, मेरे घर से लेके जैसे पूजा करते हैं वहाँ पे। तो बस ऐसे ही। तो मैं थोड़ी देर में मैं क्या बनाती हूँ, ऐसे ही वेज में सिंपल सा कुछ बनाऊंगी आज। तो क्या बनाती हूँ क्या नहीं, मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो थोड़ी देर में बात कर। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ उड़ीसा का एक स्पेशल डिश, मतलब उसको हम लोग रसबरा बोलते हैं वेस्टर्न उड़ीसा साइड में,
वो मीठी वड़ा होता है, मूंग दाल से बनता है। मूंग दाल से बनता है, मूंग दाल को मैं करीबन 6 घंटे तक उसको सूख करके रखी थी, फिर अच्छे से ग्राइंड कर ली उसको। उसको ड्राई ग्राइंड करना है, बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए। फिर उसको थोड़ा सा फेंट लेना है अच्छे से हाथ से। उसके बाद मैं इसको ऑयल में छोटा छोटा बड़ा बना के उसको फ्राई कर रही हूँ। और उधर साइड में मैंने पानी चढ़ाया है, पानी में जैसे सीरा बनाते हैं इसी शुगर सिरप बनाते हैं, इसी टाइप का नहीं, बट थोड़ा पतला बनेगा वो। मतलब जैसे कि मैं 2 कप पानी ली हूँ, उसमें 1 कप शुगर डाली हूँ, तो इसी टाइप का थोड़ा पतला बनता है। तो यहाँ पे मैं बड़े सब अच्छे से उसको मतलब फ्राई कर लूँगी। थोड़ा हाई हीट में नहीं करना है, मीडियम फ्लेम में करना है। उसके बाद हम लोग जैसे दही बड़ा में करते हैं ना, पहले फ्राई करके फिर पानी में डालते हैं, पानी से फिर उसको तेल चला जाता है, उसके बाद हम लोग उसको दही में डालते हैं। इसी तरह के से ये जो मूंग के बड़े हैं उसको पहले पानी में डालेंगे, उसके बाद उसको फिर हम लोग निचोड़ के उसको शुगर सिरप में डाल देंगे। देखिए ये मैं कर रही हूँ। और शुगर सिरप पतला होता है, मतलब गाढ़ा नहीं होता है, जैसे थोड़ा सा पानी जैसे होता है, तो इसका इतना टेस्ट होता है, आप ज़रूर ट्राई करिए ये वाला, बहुत टेस्ट होता है ये। यहाँ पे मैं जो काली मूंग दाल है वो ली हूँ, उसको बॉईल कर ली हूँ पहले, और फिर मैंने ऐसे छोंक लगा के उसमें टमाटो दे दी थी, जीरा सरसों कड़ी पत्ता ग्रीन चिली दे के उसमें टमाटो मैश करके फिर दाल के साथ छोंक लगा ली। यहाँ पे भिंडी को ली हूँ कट करके और थोड़ा सा फ्राई कर दी हूँ, और मूली को बॉईल कर दी हूँ। और यहाँ पे ऐसे ही सेम छोंक लगा के टोमेटो लेके नमक थोड़ा सा डाल के उसको छोड़ दूंगी, फिर वो सॉफ्ट हो जाएगा ना। उसमें हम दही और हल्दी और पानी को मिक्स करके ली हूँ, इसमें ऐसे डाल दूंगी। यहाँ हमारे उड़ीसा में इसको आमिलो बोलते हैं, तो हम लोग ये आमिलो बनाते हैं। तो ये हो गया मूली और भिंडी का एक कढ़ी जैसा, मतलब उसमें बेसन डलता है। इसमें हम बेसन नहीं डाली हूँ मैं, बेसन इसमें भी डलता है हमारे उड़ीसा में भी, बट यहाँ पे मैं नहीं डाली हूँ। तो ये बहुत ही टेस्टी होता है, तो ये बन गया। और यहाँ पे मैं मूली की पत्ता और पम्पकिन और थोड़ा सा बैंगन ली हूँ, उसको बॉईल कर दूंगी थोड़े ऐसे नमक के साथ, उसको बाद में छौंका लगा दूंगी। और ये हो गया है मेरा हम लोग का आम्बिलो रेडी, भिंडी और मूली का। यहाँ पे कॉलीफ्लावर मैं बना रही हूँ, उसका बड़ा बड़ा पीस करके थोड़ा सा ऑयल में फ्राई कर ली। उसके बाद उसमें यहाँ पे तेल में जीरा सरसों डाल के उसमें टमाटो डाल के नमक और सारे मसाले यहाँ इसमें डाल दी हूँ, क्योंकि आज तो अनियन गार्लिक कुछ भी नहीं पड़ता है। तो जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च, थोड़ा सा ब्लैक पेपर, सब कुछ मसाले इसमें डाल के उसको थोड़ा सा ढक दूंगी, तो टोमेटो सॉफ्ट हो जाएगा। उसके बाद आलू, बॉयल आलू, और ये जो गोभी हम लोग थोड़ा सा फ्राई करके रखे थे उसको डाल के मिक्स कर लेंगे अच्छे से, उसको मसाले के साथ कोट कर लेंगे। ये गोभी जो है ना वो बड़ा बड़ा पीस होना चाहिए, वो उसका जो क्रंच रहना चाहिए बहुत टेस्टी लगता है ये। तो इसको अच्छे से मसाले के साथ कोट कर लेंगे थोड़ी देर, उसके बाद ही उसमें पानी डालेंगे। अब इसमें मैं पानी डाल दूंगी, मसाला हो गया है, उसको थोड़ी देर ढक के 2-3 मिनट रख देंगे हाई फ्लेम में, तो अच्छे से मसाले के साथ कोट हो जाएगा। उसके बाद मैंने पानी डाल दी हूँ। देखिए ये पानी थोड़ा सा बॉयल होने देंगे हम लोग, बहुत ज़्यादा बॉयल नहीं करना है, गोभी भी पक जाएगा ज़्यादा तो अच्छा नहीं लगेगा। तो ये जब अच्छे से बॉयल हो जाएगा फिर हम इसको डिश आउट कर लेंगे। तो अभी मेरा खाना बन गया है, और ये हो गया है काली मूंग की दाल, ये हो गया है उड़ीसा स्टाइल आम्बिला और कढ़ी टाइप बोल सकते हैं भिंडी और मूली के, बहुत ही टेस्टी होता है। उसमें बाद में मैं गार्निश कर दी हूँ कोरिएंडर लीव से। यहाँ पे सब्जी कॉलीफ्लावर और आलू की, ये थोड़ा स्पाइसी होता है, बहुत अच्छा लगता है।
यहाँ पे मीठी वड़ा, मूंग के दाल के वड़े, रस वड़ा, ये भी बहुत टेस्टी होता है। और यहाँ पे जो मूली का साग मैंने लिया था, बॉईल किया था, उसको बस बघार लगा दी हूँ, छोंक लगा दी हूँ, उसमें थोड़ा सा दूध भी बाद में डाल दी हूँ और थोड़ा सा चीनी, तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। तो मैं मेरे जो मम्मी के घर, मेरी मम्मी का पूजा और मेरे जो सास का कुछ वो जो बनाते हैं ना रंगोली टाइप व्हाइट कलर का, मैं वही शेयर करूँगी वो क्लिपिंग, बिकॉज मैं भी यहाँ पे की हूँ, बट इतना मेरे यहाँ से नहीं हो पाता है ना, मेरे घर में इतना नहीं हो पाता है, घर में जैसे पूजा होता है, तो मैं थोड़ा बहुत क्लिप मंगाई थी, मैं वो शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। ये मेरे मम्मी का पूजा का घर है, वो आज का गुरुवार का पूजा कर रही है, तो यहाँ पे ऐसे प्रसाद चढ़ाया जाता है, सारा कुछ अन्न भोग लगाया जाता है भगवान को। पूजा हो गया है ख़त्म अभी, मतलब जो
बना के सब कुछ मैंने भगवान को चढ़ा दिया, बस प्रसाद हो गया है। अभी हम लोग खाएंगे, लंच भी नहीं हुआ है हम लोग का, किसी का बच्चों का भी नहीं हुआ है। बस अभी थोड़ा सा मैं थक गई थी तो सोचा थोड़ा सा बात कर लूँ, फिर मैं बच्चों को खिलाऊंगी, मैं खुद भी खाऊंगी। और ये पूजा ना बहुत ही अच्छा लगता है, और इसमें ना कोई स्टोरी है, मतलब जैसे हम लोग कथा में पढ़ते हैं ना उसका, जस्ट मैं थोड़ा सा कुछ मतलब शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ। तो ये पूजा शुरू हुआ था, लाइक जगन्नाथ जी है, जगन्नाथ जी, बलराम जी है और लक्ष्मी जी होते हैं ना। तो एक दिन गुरुवार में क्या होता है, लक्ष्मी जी अपना नगर में मतलब घूमने के लिए जाते हैं, तो जो अछूत मानते हैं ना, अछूत बोल के जो जिनको मानते हैं ना, अभी ये सब तो हम लोग नहीं मानते, बट है ना हमारे किसी किसी एरिया में जो अछूत बोलते हैं। तो लक्ष्मी जी जा रहे थे, तो एक अछूत थी, उसका नाम था श्रिया, श्रिया चांडालूनी बोलते हैं उसको। तो क्या की थी, वो गुरुवार का पूजा की थी, इतने अच्छे से मतलब बहुत अच्छे से लक्ष्मी जी की पूजा की थी, बहुत उसका जो घर छोटा सा घर था बहुत क्लीन होके। तो लक्ष्मी जी जब जा रही थी तो उनको बहुत अच्छा लगा, तो वो वहाँ पे उसके घर में गए और उसको वरदान दिए, खुश होके वरदान दिए, तो वो बहुत अमीर हो गई, फिर बहुत कुछ उसको दिया, उसका गरीबी चला गया, सब कुछ ऐसे ही। तो उसके बाद क्या हुआ, जगन्नाथ जी को जैसे पता चला, उन्होंने बोला कि तुम क्यों गई थी अछूत के घर, और तुम अभी हमारे साथ नहीं रह सकती हो, तुम आप मैं अभी चले जाओ। तो लक्ष्मी जी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया, उन्होंने बोला कि ठीक है, मुझे आप निकाल रहे हो घर से, एक दिन ऐसा आएगा आपको खाने के लिए नहीं मिलेगा, आप लक्ष्मी जी का अपमान कर रहे हो, लक्ष्मी का अपना अपमान कर रहे हो, तो आपको खाने का भी नहीं मिलेगा। ऐसे जगन्नाथ जी को और बलराम जी को बोल दिया और लक्ष्मी जी उधर से निकल गए। तो फिर उधर जाके वो जो विश्वकर्मा जी को बोले, और ऐसे सी के साइड में बड़ा सा उनका महल बना के उधर वो अच्छे से रह गए। तो एक दिन ऐसा आया, जैसे ही लक्ष्मी जी चली गई घर से ना, मंदिर से चले गए, तो क्या हुआ, सारे उनके साथ ही सारे जो मतलब सारे जो खाने पीने के सामान, सारे धन धन कुछ भी, जैसे जैसे लक्ष्मी चले गए तो सब कुछ उनके साथ ही चला गया। तो जगन्नाथ जी और बलराम जी को कुछ खाने के लिए भी नहीं था, तो ऐसे वो घर घर मांगने जाते थे, तो हर घर में बोलते थे आप तो लक्ष्मी जी को नहीं रख पाए, आपको क्यों खाना दे, ऐसे ऐसे बोल के इसी टाइप का वो लोग बोलते थे। लास्ट में वो लोग ना बहुत थक गए, मतलब खाने पीने का बिल्कुल नहीं मिला, वो लोग पूरा कैसे सिख हो गए। तो एक दिन जाके लक्ष्मी जी का जो प्रसाद था वहाँ पे, बड़ा सा महल था, वहाँ पे जाके रुके, तो लक्ष्मी जी उनको बुलाए, मतलब लक्ष्मी जी खुद दिखाई नहीं दिए, और उनके जो दासी थे उनके हाथों से उनको संदेशा भेजा कि यहाँ पे किसी को भूखे नहीं रहना पड़ता, खाने के लिए मिलता है। तो उनको बहुत सारा खाना खिलाया, जो लक्ष्मी जी घर में बना दी थी वो सब बना बना के दासियों के हाथ में भेज के उनको खिलाया। तभी जगन्नाथ जी को पता चल गया कि ये लक्ष्मी ही है, इनके हाथ का खाना वो पहचानते थे, उनको पता चल गया, उन्होंने अब माफ़ी मांगी, गलती उनको समझ में आ गया कि लक्ष्मी को निकाल के घर से वो बहुत बुरा काम किए हैं। तो लक्ष्मी जी को बोले कि तुमको जो पसंद है, तुम्हें जहाँ जाना है आज से तुम जाना, और इसीलिए तुम लक्ष्मी मतलब कहलाती हो, गरीबों के घर या छूत हो, जो भी हो, तुम्हें जहाँ पसंद है चलो, बट बस अब मंदिर चलो, तुम्हारे बिना कुछ भी नहीं हो सकता, ऐसे बोले। तो लक्ष्मी जी आ गए, तो इसीलिए बोलते हैं कि लक्ष्मी को कभी भी अपमान जो बोलते हैं ना उनका ये करना नहीं चाहिए हम लोगों को, तो इसीलिए हम लोग को पूजा करते हैं, उस घर को क्लीन करके थोड़ा अच्छे से पूजा करते हैं लक्ष्मी जी का। तो बस वही है, ऐसे ही मुझे जितना पता है मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया, आई डोंट नो, मुझे भी अच्छे से पता नहीं है इतना, बट मैंने जो भी जानती हूँ, मैं जो जानती हूँ वही शेयर की आप लोगों के साथ। और बस आज का ब्लॉग यहाँ पे रखती हूँ, अभी हम लोग लंच करेंगे, और ये वाला ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताना, और कमेंट करके बताना कैसा लगा। सो बस यहाँ पे रहती हूँ, प्लीज़ सब्सक्राइब टू तृप्तिस वर्ल्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।